हमने देखा होगा कि जब स्कूल में एक फंक्शन होता है 15 अगस्त 26 जनवरी या कोई भी प्रोग्राम होता है, तो उस दिन स्कूल की हवा ही अलग होती है, बच्चों का मूड ही अलग होता है, टीचर्स का मूड ही अलग होता है। वो जो एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसी पॉजिटिव एनर्जी में हमने अपने आप को पूरी तरह से छोड़ दिया। जो बच्चा एक आनंद लेता है एक फंक्शन में, एक साल में एक बार, तो हम वो हर रोज़ वो आनंद महसूस करते हैं। हर रोज़ कहीं ना कहीं शो है, कोई वर्कशॉप है, कोई ट्रेनिंग है, तो ये चलता रहता है। इस तरह से हमने जीवन को अपने बना लिया, ढा लिया। और दूसरी बात, थिएटर एंड एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, हमारे नेशनल स्कूल ड्रामा में भी एक डिपार्टमेंट है थिएटर एंड एजुकेशन के नाम से, टाइप बोलते हैं उसको। उसके अंदर बच्चों को शुरू से ही ट्रेंड किया जाता है, उनके नाटक बनाए जाते हैं, बच्चों को लेके नाटक बनाए जाते हैं और बच्चों के लिए नाटक बनाए जाते हैं। नाटकों की बहुत सारी वैरायटी होती है, अगर ध्यान से पढ़ेंगे जानेंगे इस फॉर्म को, इस विधा को, तो पता चलेगा इसके बहुत सारे लेवल्स होते हैं। प्राइमरी लेवल से लेके जब छोटे बच्चों को कोरियोग्राफी कराते हैं, फिर वो बड़े होते हैं उनको डायलॉग बोलना सिखाते हैं, फिर वो और बड़े होते हैं उनको डांस की तरफ लेके जाते हैं, पेंटिंग। थिएटर एक ऐसी चीज़ है जो जितनी भी दुनिया की आर्ट है, जो भी आर्ट है, अगर आपको बेंच बनाना आता है, कोई बड़ा ये कारपेंटर है, आपको चश्मे बनाना आती है, चेयर बनानी आती है, तो वो हर चीज़ एक आर्ट है। ये शेक्सपियर का आपने नाम सुना होगा, बहुत जाने माने नाटककार रहे हैं, तो उन्होंने बोला था कि पूरी दुनिया ही एक स्टेज है और हम सब लोग आर्टिस्ट हैं। हम अपने घरों में अपनी माँ का रोल करते हैं, बहन का रोल करते हैं, दादी का रोल करते हैं, पापा का रोल करते हैं, भाई का रोल करते हैं, कितने सारे कैरेक्टर करते हैं, एक ही इंसान है और कितने सारे कैरेक्टर मिले हैं उसको जीने के लिए। तो अभिनय या फिर रंगमंच कोई धरती से दूर की बाहर की चीज़ नहीं है, वो हमारे बीच में ही है, रोज़मर्रा के जीवन में, रेगुलर लाइफ में है। एजुकेशन से अगर मैं इसकी बात करूँ, तो अगर एजुकेशन, सो कॉल्ड एजुकेशन जिसको मान रहे हैं, पढ़ना लिखना, नौकरी लगना, जैसे भी बात कर रहे थे, ये सारी चीज़ें, इनको अगर छोड़ भी दिया जाए, तो सिर्फ थिएटर, सिर्फ रंगमंच अपने आप में एक बड़ा एजुकेशन है। अगर ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं विदेशों के अंदर भी, अपने देश के अंदर भी, कि कोई कुछ पढ़ाई ना करके बच्चों को सिर्फ थिएटर जब कराते हैं, तो उनके जीवन में किस तरह के सुधार आते हैं, उनका कंसंट्रेशन जो एकाग्रता है वो बढ़ती है, लीडरशिप की क्वालिटी आती है उनके अंदर, वो भी बात कर पाते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स। दूसरी बात, शिक्षा जितना बोझ बनी हुई है अभी, जिस तरह से मतलब बच्चे आना नहीं चाहते स्कूलों के अंदर, असल में स्कूल का जो इन्वायरमेंट है, जो वहाँ का जो वातावरण है, वो पढ़ाई का या उनके उनके लिए मनोरंजन का कोई साधन नहीं है। जब शिक्षा अपने आप में एक साधन बन जाएगी मनोरंजन का, तो शायद बच्चे बहुत इजीली आएंगे और इंटरेस्ट लेंगे पढ़ने में भी। तो ऐसी बहुत सारी बातें, मैंने भी बीएड किया हुआ है, कुशलता से मैंने बीएड किया है, तो मैंने ये भी पढ़ाई की है कि कैसे पढ़ाया जाता है। अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैं जाता हूँ थिएटर क्लासेस लेने, जो हाल स्कूलों के अंदर देखते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर भी वही हाल देखते हैं। वो बच्चे जिस तरह से पढ़ के आए हैं, जिस तरह से पास होके आए हैं, तो वो सारा झलकता है उनके काम में, लेकिन जब थिएटर जीवन से जुड़ता है, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे बदलाव आते हैं। और आप जो एक एक लाइन भी यहाँ पर जब थिएटर के नाम पर जब कुछ भी बोलते हैं, करते हैं, तो आपकी अपनी एक लीडरशिप क्वालिटी जो है डेवलप होती है आपके खुद के अंदर, आपको बात कहनी आती है। नहीं तो हमने कॉलेजेस के अंदर देखा है, जो टीचर्स हैं वो यहाँ पे खड़े होकर अपनी बात भी नहीं कह पाते पूरी तरह से, फिर उसमें किसका भविष्य खराब करने या किसका भविष्य उसमें बर्बाद होता है। और ऐसा नहीं कि उसमें उनकी कोई गलती है, सबका एक स्वभाव होता है, संकुचित स्वभाव होता है, उनको संकोच होता है जाने में, तो थिएटर ये सब काम करता है उनको ठीक करने का, उनको सुधारने का, उनके अंदर डेवलपमेंट लेके आने का। और बहुत गहरे संबंध है, कभी फुर्सत में कभी बात करेंगे, कोई वर्कशॉप होगी साथ में, तो साथ में हम बात करेंगे, काम करेंगे, क्योंकि थिएटर जो है वो बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हम कितने ही भाषण दे लें, उससे थिएटर समझ में नहीं आता है। और आपने देखा होगा कि हम रोज़ टीवी पे, रेडियो पे, स्कूलों के अंदर ही भाषण सुनते हैं कि पानी को बचाओ, पेड़ लगाओ, बेटी को बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ, पर वो इतनी घिसी पीटी बातें हो चुकी हैं, उनका कोई असर ख़त्म हो गया है। मतलब वो आपकी संवेदनाओं को नहीं जगाती, वो आपको सेंसिटिव नहीं बनाती, वो एक लेक्चर की तरह लगता है, क्या भाषण दिया है। तो थिएटर जो है वो और करीब लेके आता है सारे विषयों को अपने अंदर से, हमारे अंदर से गुजरती हैं चीज़ें,
जब हम थिएटर करते हैं, जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो ब्रीदिंग पे जब हम काम करते हैं तो हफ्ता 15 दिन 20 दिन सिर्फ हम सांसों पे काम करते हैं थिएटर में, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं कि हम सांस ले रहे हैं। दिन में आप खुद बताइए कितनी बार आप महसूस करते हैं कि आप सांस ले रहे हैं। ये निरंतर चलता रहता है, लेकिन हम इसको ऑब्जर्व नहीं करते, इस पर फोकस नहीं करते, और ये जीवन की सबसे पहली कड़ी है सांस लेना। इसीलिए योगा के अंदर, प्राणायाम के अंदर, मेडिटेशन के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर आपको ब्रीदिंग सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, इस पर काम किया जाता है, क्योंकि जीवन की पहली इकाई है। और फिर जब हम सांसों की बात करते हैं, फिर पेड़ों की बात आती है। एक हार्ट हमारा यहाँ है, एक हार्ट पेड़ों के अंदर जो ऑक्सीजन दे रहा है, तो अगर दूसरे हार्ट को ख़त्म कर दिया जाए, काट दिया जाए, पेड़ को ख़त्म कर दिया जाए, तो हमारे ब्रीदिंग का सिस्टम ही टूट जाएगा, कनेक्शन ही टूट जाएगा। तो ऐसे थिएटर ज़्यादा सेंसिटिव बनाता है चीज़ों में, कि आप जितना आपका महत्वपूर्ण है जीवन, उतना ही महत्वपूर्ण है पेड़ पौधों का होना, हवा का साफ होना। आप देखते हैं प्रदूषण की जो हालत है देश में, तो वो भाषण देने से ठीक नहीं होगी, वो स्लोगन लिखने से ठीक नहीं होगी, वो बहुत करीब से जानना पड़ेगा उसको, और हर व्यक्ति को जानना पड़ेगा इंडिविजुअल लेवल, पर्सनल लेवल, तब शायद हम थोड़ा सा मोटिवेट होंगे। और जो सरकार भी जिस तरह की कोशिश कर रही है, हम शायद उसमें मदद कर पाएँ और अपने देश को और बेहतर बना पाएँ। और आपके हाथों में तो पूरा भविष्य है, ये बात कहने के लिए आप 1000 बार सुन चुके होंगे कि राष्ट्र का निर्माण में सब आपके हाथों में है। जो आप प्रोडक्ट कहें, अगर हम जिन स्टूडेंट्स को, जिनको तैयार करके भेजेंगे, वो भविष्य निर्धारित करेंगे इस दुनिया का, इस देश का, तो बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत ज़्यादा शायद अपने जीवन को भूल जाना पड़ता है अध्यापक को, तो फिर बच्चे ही उसके लिए सब कुछ है, सिर्फ अपने बच्चे नहीं, स्कूल के बच्चे भी उसके अपने बच्चे हो जाते हैं, और निश्चित तौर पर हम ये भूमिका निभाते हैं। बहुत सारे अध्यापक हमारे जीवन में रहे हैं जिनसे प्रेरणा लेके हम लोग थोड़ा बहुत जो भी कर पा रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक जो मोटिवेशन है वो हमें वहाँ से मिला, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत कम है। हमें पता है कि जितना भी हम थोड़ा बहुत सीख पाए हैं, उसमें सिखाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, जानते समझते हैं। तो आप राष्ट्रीय स्तर पर अगर जाएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि कितनी तरह की आर्ट है, कितने तरह के तरीके हैं। कठपुतली एक आर्ट है, कठपुतली के थ्रू थिएटर किया जाता है, बच्चों को समझाया जाता है। तो आप आइए, सबका स्वागत है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं वहाँ पर, और सब आप लोगों के टैक्स से चलता है। हम लोग जितना भी टैक्स देते हैं उससे ही संस्थान चलते हैं, बड़े बड़े संस्थान, तो आप सबका अधिकार है उस पर, वो किसी का व्यक्तिगत नहीं है, कोई भी संस्थान सरकारी संस्थान। तो आप आइए, आपका स्वागत है, कभी भी आइए। दिल्ली में कहाँ पे सर? दिल्ली में है मंडी हाउस, एक जगह है कनॉट प्लेस में, कनॉट प्लेस के पास। अगर नेट पे आप सर्च करेंगे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो वो सारे आपको मिल जाएगा, हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है, क्या कोर्स है, कैसे कराया जाता है। और मोस्टली लोग करते हैं कि एनएसडी से पढ़ाई करके बॉम्बे चले जाते हैं, बहुत सारे एक्टर हमारे सीनियर्स हैं, वो रोज़गार की तलाश में उनको जाना पड़ता है, क्योंकि थिएटर में इतना होता नहीं है। बट बहुत सारे लोगों ने ये भी डिसीजन लिया है कि हम सोशल सर्विस करेंगे, हम समाज के लिए सर्विस करेंगे, समाज को सुकून देने का, शिक्षा देने का, ये सब काम करेंगे। बहुत सारे लोग उस लाइन में, तो कभी भी आइए आप, उसके फेस्टिवल होते रहते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अभी शायद मेरे ख्याल से फेस्टिवल ख़त्म हुआ है जो सिर्फ बच्चों के लिए, उसमें विदेशों से टीमें आती हैं, दूसरे देशों में किस तरह का शिक्षा का स्ट्रक्चर है और किस तरह की एक्टिंग की चीज़ें हैं, तो वो सारा शेयर करते हैं हम लोग।